Welcome to my channel Syndicate Academy of English Language. Today I am going to discuss two things to you, need or dare, right? जानते हो need और dare ये दो ऐसी helping verbs होती हैं, एक helping verbs भी होती हैं ये और main verb भी होती हैं ये, right? एक और होती है used to, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, यूज टू का प्रयोग, नीड और डेयर और यूज टू, ओके? इसको हम मार्जिनल या सेमी मॉडल वर्ब भी कहते हैं इनके लिए, राइट? अब जैसे सपोज करो कि अगर हमें ये वर्ड लेना है नीड, तो नीड का मतलब होता है जरूरत, जरूरत। एक तो इसका मीनिंग हो गया जरूरत और एक इसका मीनिंग हो गया जरूरत होना, जरूरत होना, राइट? अब सपोज करो कि इसको अगर हमें एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, राइट, एज ए हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, राइट? तो अगर एज ए हेल्पिंग वर्ब हमें यूज करना है इसके लिए, तो हम क्या यूज करेंगे? आई नीड अ पेन। क्या लिखेंगे? आई नीड अ पेन, मुझे एक पेन की जरूरत है, राइट? आई नीड अ पेन। तो यहां पर ये क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब, ओके? और अगर इसी को अगर हमें मेन वर्ब के तौर पे यूज करना हो एज ए मेन वर्ब, मेन वर्ब, राइट? तो मेन वर्ब में हमें क्या करना है? I want to need a pen, ठीक है? अब यहां पे क्या हो गया? ये तो हो गई हमारी मेन वर्ब, ठीक है ना? ये हो गई हमारी मेन वर्ब, ओके? और दूसरी चीज कि ये भी हमारी जो है वो मेन वर्ब का काम तो कर रही है, इन्फिनिटिव मेन वर्ब है ये, ओके? अगर मान लो हम इसको एक उदाहरण और लिखते हैं तो लिखेंगे आई डू नॉट, आई डू नॉट नीड, do not need a pen, right? I do not need a pen, मुझे पेन की जरूरत नहीं है। तो ये हमारी क्या हो गई यहां पे? ये तो हो गई हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या हो गई? इट इज कॉल्ड अ मेन वर्ब, ये हमारी मेन वर्ब हो गई। समझ में आ गया ये वाला? अब इसी को अगर हमें डेयर को यूज करना है सेम वे, तो हाउ वुड लाइक टू यूज, तो हम इसको किस तरीके से यूज करेंगे? यहां पे हमें डालना है डेयर, तो एक तो डेयर का मतलब होता है हिम्मत, और एक होता है हिम्मत करना, ठीक है?
इसको भी हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं, एज ए मेन वर्ब और एज ए हेल्पिंग वर्ब। अगर हम एज ए हेल्पिंग वर्ब इसको यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब, राइट, बता सकते हो डॉल कैसे यूज करेंगे एज ए हेल्पिंग वर्ब? यहां पे आप ये लिखेंगे कि ही डेयर, ही डेयर ही डेयर से समथिंग, ठीक है। यहां पे ये क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। जब ये हेल्पिंग वर्ब है तो हमने यहां पे टू नहीं लगाया, वरना हम यहां पे क्या लगा सकते थे, टू से। अब इसी को अगर हम मेन वर्ब कर दें इसके लिए तो क्या हो जाएगा ये, ठीक है ना। अगर यहीं पे हम ये चीज कर दें, ही डेयर्स टू से समथिंग, ही डेयर्स टू से समथिंग। अब ये क्या हो गई यहां पे, ये क्या हो गई, ये डेयर्स जो है वो मेन वर्ब हो गई, और ये हमारी क्या हो गई, ठीक है ना, इन्फिनिटिव वर्ब, इन्फिनिटिव वर्ब, राइट, ये कहलाती है इन्फिनिटिव वर्ब। गॉट इट, समझ में आ गया ये पॉइंट। अगर हम इसको ऐसे भी बोलें तो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं कि He does not dare to raise the voice, He does not dare। अब यहां पे ये मेन वर्ब हो गई आपकी, ये तो हमारी क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई। ये हो गई मेन वर्ब और ये हो गई इन्फिनिटिव वर्ब। ठीक है, इन्फिनिटिव वर्ब हो गई। गॉट इट, समझ में आ गया ये। और ये यूज टू का प्रयोग मैं पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूं, राइट, इसको आप उसमें देख लीजिएगा। इसको भी हम हेल्पिंग वर्ब की तरह और मेन वर्ब की तरह दोनों तरीके से इसके लिए भी यूज कर सकते हैं, राइट। तो ओके, फ्रॉम माय साइड, नाइस मीटिंग, गुड एंड गुड बाय, सी यू टुमारो, टिल देन गुड बाय एंड गुड नाइट।